जानी ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, समझे। कसम पैदा करने वाले की है, तू ये मेरी चौकट पर अपनी नाक नहीं रगड़ी तो मेरा नाम भी भवानी शंकर नहीं, कोई शक। आय शाबाश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, जिस राख से जो बारूद बने औसे विश्वनाथ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com का विशेष कार्यक्रम एंटरटेनमेंट इनसाइड। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम टीवी सीरियल और बॉलीवुड से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने टीवी सीरियलों से लेकर वेब सीरीजों तक अपनी छाप छोड़ रखी है और फिल्म अभिनय से लेकर अब डायरेक्शन की दिशा में भी आगे बढ़ चले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर, एंकर, मिमिक्री आर्टिस्ट और फिल्म डायरेक्टर राजा राणा जी की। तो स्वागत करते हैं टीवी थर्ड इंडिया पर राजा राणा जी का। स्वागत है आपका राणा जी। नमस्कार जी। आप इतनी सारी चीज़ें, यानी कि आप एक्टिंग भी कर लेते हैं, फिल्म डायरेक्शन भी कर रहे हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ, इतना सारा पैकेज कहाँ से आया? बस सर, शुरुआत की थी हमने, मन में यही इच्छा थी कि कुछ करना है, तो कुछ करने के लिए मन में कुछ होता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, तो सोचते थे कि क्या करें। तो सबसे पहला हमको जो मंच मिलता था वो कॉलेज का मंच मिलता था, तो मंच में हम सिंगिंग करते थे और डांस करते थे और एक्टिंग करते थे। जब तीनों ही परफॉर्मेंस हम स्टेज पर करते थे तो हमारे दोस्तों की ताली हमको इनक्रेज करती थी, मोटिवेट करती थी। तो इस तरीके से आगे जब बढ़ते गए तो लोगों ने हमारी तालियाँ जो बजाई वो क्या कहते हैं, एक्टिंग की तरफ ज़्यादा बजाई, तो हमारा रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके द्वारा कि कैसे आप, पहले तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और परिवार में कितने लोग हैं? जी, मेरा मूल निवास तो एटा है। एटा हमारे पापा जी दादा जी का घर है, वहाँ रहते थे, और इस समय हम पापा जी के साथ रहते हैं अलीगढ़ में। पापा जी हमारे अलीगढ़ में सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हुए हैं, तो उन्हीं का मकान है और उनके साथ हम पूरी फैमिली रहते हैं। हम चार भाई हैं और चारों भाई और मम्मी पापा सब एक साथ, एक ही कंपाउंड फैमिली के साथ रहते हैं। अच्छा, एक परिवार में पिताजी पुलिस विभाग में हैं, ऐसे में जो है क्या कहते हैं, क्या परिवार वालों से आपको प्रोत्साहन मिला एक्टिंग में जा रहे हैं? एक्टिंग में ज़्यादातर लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता घर परिवार से, तो आपके साथ क्या हुआ? देखिए, जैसा कि आपने कहा और सही कहा है, एक्टिंग की तरफ जब कोई रुझान कर लेता है तो हर कोई रुकावटें पैदा करने लग जाता है, लेकिन जिसके अंदर जोश, जुनून और जज्बा होता है तो वो उस कदम पर आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारी फैमिली में हुआ। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते थे तो हम धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते गए, पापा मम्मी को जब हमने शील्ड और कुछ गिफ्ट या फिर कुछ इनाम दिखाते थे तो पापा मम्मी हमारे बड़े खुश होते थे और हमको भी बड़ी खुशी मिलती थी। धीरे धीरे फिर वो स्टेज परफॉर्मेंस पर आ गए हम, तो स्टेज परफॉर्म हमको शील्ड मिली, सम्मान मिला, तो धीरे धीरे बढ़ते गए। इसी तरीके से फिर हमारा एक सिलेक्शन हुआ सोनी चैनल पर, तो सोनी चैनल पर जब हम गए तो हमारे मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई, हमारे फैमिली को बहुत खुशी हुई, और जब से हमने उस पर कदम रख दिया उसके बाद तो फिर हमें किसी ने रोक टोक कुछ नहीं किया। सोनी चैनल के, हाँ, वो शो, जिस शो की आप बात कर रहे हैं उस शो के विषय में हम दर्शकों को बताना चाहें, आर माधवन जी जो होस्ट करते थे जो शो, और एक बड़ा शो था सोनी पर आता था, उसमें आप गए थे और उसमें कुछ रुपए भी जीत कर आए थे, वो थोड़ा सा बताएं, थोड़ा संक्षिप्त में। जी जी, सन 2005 की बात है, तब सोनी पर एक कार्यक्रम चलता था डील या नो डील, जिसको आर माधवन जी होस्ट करते थे। तो उस समय हमारा सिलेक्शन हुआ, उसमें 7-8 राउंड कैमरे के सामने हुए थे, तो 7-8 राउंड हमने क्लियर किए। क्लियर के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन राउंड थे वो मोबाइल पर, उस समय टेलीफोन चलता था तो टेलीफोन पे क्लियर किए। जब हमारा फाइनली सिलेक्शन हुआ तब हम पहुँचे मुंबई। मुंबई पहुँचने के बाद हमको लगता था कि अभी हमारे टेस्ट और चलेंगे, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में चलता है जी। तो वहाँ पर उन्होंने बताया, उनकी टीम ने, कि भाई आप फाइनल सेलेक्ट होके आए हैं और आपका गेम शो ही होगा। तो हमें बड़ा खुशी हुई। तो उन्होंने एक फास्ट फिंगरप्रिंट जो होता है, 21 कंटेस्टेंट खड़े होते हैं एक बॉक्स के पास, उनमें से जो पहले सवाल का जवाब देगा तो वो हॉट सीट पर आता था। तो एक दिन आया हमारा, तो हमने जवाब सबसे पहले दिया और हम हॉट सीट पर बैठे। तो माधवन जी के साथ हमने बहुत अच्छा गेम शो किया और उस समय हमारा जो जॉनी लीवर साहब से भी हमारी काफ़ी बातें हुई, उनसे फ़ोन पे बातें हुई,
काफ़ी इंटरटेनमेंट किया हमने और उन्होंने सेट पर खूब डांस भी किया, हमने खूब इंजॉय किया। और हाँ, उस गेम शो में हमने कुछ पैसे भी जीते थे, 5,60,000 रुपये हमने वहाँ से प्राइज मनी जीती थी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने अपने से जुड़ी हुई। अच्छा, एक ये जो आपकी शुरुआत हुई उस शो के बाद से, वहाँ से और यहाँ तक के सफ़र के बीच में क्या क्या ऐसी मेन चीज़ें रहीं, प्रमुख चीज़ें रहीं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि वो जो बात थी वो 2005 की बात थी। 7 दिसंबर 2005 को मेरा टीवी शो पहले टेलीकास्ट हुआ था, 7 दिसंबर का दिन था, तो जिस समय ऑल ओवर इंडिया ने मुझे देखा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी देखकर। उसके बाद फिर मैंने 5 साल तक कुछ नहीं किया, पर क्योंकि उस समय मैं बेरोज़गार था, कुछ हाथ में पैसा नहीं था, तो मैंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई में मैंने BSc, MA, BEd और आगे क्वालिफिकेशन NET के एग्ज़ाम मैंने दिए, तो MET के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए मैंने। उसके करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो मैंने लगभग 5 साल तक ये फिल्म लाइन छोड़ दी थी 2007 के बाद। 2007 में मैंने एक फ़िल्म की थी पहले, तो उस फिल्म का नाम था चांद तारा। उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया, तो 5 साल बाद फिर 2012 के बाद मैंने सावधान इंडिया लाइफ के चैनल पर गया। अच्छा, ये जो चांद तारा फिल्म है, इसकी स्टार कास्ट क्या थी, थोड़ा बता पाएंगे आप? जी, स्टार का उसमें न्यू कॉमर्स थे, सभी फ्रेशर लोग थे, लेकिन हाँ, किसी ने कुछ कुछ छोटे छोटे काम शॉर्ट फिल्में की हुई थी, टेलीफिल्म की हुई थी। तो उसमें जो फर्स्ट लीड करेक्टर थे वो सादिक इदरीस जी थे, और सेकंड लीड करेक्टर मैंने किया था उसमें। अच्छा, उसके बाद आपका जो सफ़र हुआ वो कहाँ तक पहुँचा? जी, उसके बाद 2007 में मेरी CD पर फिल्म रिलीज हुई, 2012 में लाइफ ओके पर सावधान इंडिया में मैंने काम किया, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और 2013 में एक तेवर फिल्म में भी मैंने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मेरा सीन कट गया क्योंकि वहाँ सेट पर बारिश हो गई थी, तो वो पूरा सीन ही चेंज कर दिया गया। उसके बाद 2014 में मेरा क्या कहते हैं उस पर बिग 92.7 FM पर मिमिक्री शो हुए, और 14-15 में मुझे फिल्म मिली ब्लड रिलेशन, और वो 15 में जाके रिलीज हुई मेरी फिल्म ब्लड रिलेशन। वो ऑल ओवर इंडिया फिल्म रिलीज हुई, सिनेमा पर रिलीज हुई, और मेरे पिछले 20 सालों का जो सपना था, मैं चाहता था कि मेरा पोस्टर शहर में सब जगह पर लगे और हॉल पर लगे, तो वो मेरा सपना उस क्या कहते 2015 में पहली बार मेरा सपना पूरा हुआ कि मेरी फिल्म बड़े पर्दे पर चली। 13 अक्टूबर 2017 में मेरी दूसरी फिल्म देसी रेसलर वो रिलीज हुई, वो मल्टीप्लेक्स पर सिनेमा में रिलीज हुई, ऑल ओवर इंडिया ने सभी ने देखा। उसमें मेरा एक इंस्पेक्टर का करेक्टर था, जो काफ़ी सभी लोगों ने मुझे पसंद किया, काफ़ी प्यार दिया, सम्मान दिया। उसके बाद फिर मेरी एक फिल्म हुई द लव स्टाइल, वो फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, लॉकडाउन की वजह से अभी रुका हुआ है, वो जल्द ही जैसे लॉकडाउन खुल होगा, मनोरंजन की तरफ से वहाँ से छूट मिलेगी, तो वो फिल्म रिलीज हो जाएगी। उससे पहले एक फ़िल्म की थी गेम चेंजर, वो फिल्म अभी रुकी हुई है, वो भविष्य में रिलीज होगी तो पता चलेगा। और मेरी आने वाली फिल्म है एक जमींदार में मेरा एक अहम भूमिका है, तो उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो सर, ये मेरी बड़े पर्दे की फिल्में हैं, ये मैंने काम किया है और लोगों से प्यार किया है, और मैं लगातार काम करता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपने जो बड़े पर्दे की फिल्में की, इसके साथ साथ अब क्योंकि आप एक्टिंग के साथ साथ अब डायरेक्शन की भी लाइन में जा रहे हैं, आपने खुद कुछ फिल्में डायरेक्ट की हैं, तो उन फिल्मों के विषय में, शॉर्ट फिल्मों के विषय में हम जानना चाहेंगे। अच्छा जी, तो सर हाँ, उसके बारे में बताता हूँ कि जब हम बड़ी फिल्में करने जाते थे तो उसमें हम अपना रोल करके घर पर आ जाते थे, लेकिन हमारे अंदर एक्टिंग का एक जुनून है, हमारा मन करता है कि हम हमेशा पर्दे पर हैं और TV पर हैं, कुछ करने का मन करता था। तो हमने सोचा कि कुछ किया जाए खुद, और कुछ हमारे साथ दोस्त लोग थे वो भी बेचारे थे कि किसी को रोल नहीं मिल पा रहा था, तो हमने एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद फिर हमने डायरेक्शन का ही मेरे अंदर था कि कुछ करना है, थोड़ी ये इमेजिनेशन था, क्यूरियोसिटी थी, क्रिएटिविटी थी, जो मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जब मुझे लगा कि मैंने कर सकता हूँ, तो मैंने एक छोटा सा प्ले किया, तो सभी लोगों ने सराहा, सभी ने तारीफ़ की, मेरे ग्रुप वालों ने कहा कि भैया आप डायरेक्शन करो, आप अच्छा कर लेते हो। तो मैंने सब शुरुआत की, तो सबसे पहले मैंने फ़िल्म बनाई थी अनोखा भिखारी, तो पहली फिल्म मेरी अनोखा भिखारी जो पुणे फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्टेड हुई, स्क्रीनिंग हुई, उसके लिए हमको अवार्ड मिला। उसके बाद दूसरी फिल्म बनाई हमने लत एक जहर, वो फिल्म अभी मेकिंग में है, 60% शूटिंग हो चुकी है, वो टेली फिल्म है। इसके बाद तीसरी फिल्म बनाई हमने इंसानियत, फिर इंसानियत 1, इंसानियत 2, इंसानियत 3, इंसानियत 4, और आज ही हमने इंसानियत 5 का ट्रेलर रिलीज किया है,
जो इंसानियत 5 है उसका नाम है उम्मीद एक खुशी, और आगे आने वाली फिल्में हैं कई सारी, वो हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और हमें जानकारी मिली है कि कोई आपकी म्यूज़िक एल्बम भी आपने डायरेक्ट की है। जी सर, हाँ, अभी भी म्यूजिक एल्बम हमने लॉकडाउन से पहले की थी, तो उस म्यूजिक एल्बम का नाम है चर्चे, जो LR भोसले जी उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, और उसमें डायरेक्शन हमारा था, तो वो लॉकडाउन के बाद रिलीज हो जाएगा वो किसी चैनल पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग, हमारे दर्शक देखते होंगे कई सारे B4 जो मूवी का चैनल है उस पर आपकी वो मूवी ब्लड रेशम देखने को मिल रही है, और भी कई चैनलों पर देखने को मिल रही है, दर्शक हमारे देख रहे हैं। आपके अंदर जो मिमिक्री आर्टिस्ट है उसने कब से जन्म लिया? ये सर, मिमिक्री आर्टिस्ट तो सबसे पहले ही जन्म हुआ था मेरा, जब मैं स्टेज शो करता था कॉलेज में, तब से, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझे कुछ करना है, तो कुछ करने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए, तो एक्टिंग तो थी, तो एक्टिंग के लिए हमें प्लेस चाहिए होती थी, वो 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, वही समय था। लेकिन मैंने कहा कि हम इसके अलावा कब करें, क्या करें, तो मैं रेडियो पर सुनता था, रेडियो पर उनकी आवाज़ सुनता था मिमिक्री, तो उससे मैंने मिमिक्री सीखी, और धीरे धीरे सीखते सीखते काफ़ी लोगों के, पुराने एक्टर्स की मैंने मिमिक्री आवाज़ सीखी। बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि कुछ कलाकारों की आवाज़ और मिमिक्री करके दिखाएं। तो चलिए, एक बहुत फेमस डायलॉग है राजकुमार जी का, तिरंगा फिल्म का डायलॉग है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। जानी ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, समझे, और वो जो कमांडो खड़ा है वो तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है, तुम्हारी समझदारी सिर्फ इसी में है कि बिना हिले डुले खामोश अपनी जगह खड़े रहो, समझे जानी। थैंक यू। बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, आपने बिल्कुल, सुनने वाले सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कितना हद तक एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने लाइव मूवी चल रही है, उसका एक डायलॉग चल रहा है। और हम चाहेंगे कुछ कलाकारों की आवाज़। एक मिथुन चक्रवर्ती का एक छोटा सा डायलॉग है, मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, ओए तू इस इलाके में अपन की परमिशन से आया तो है, लेकिन जाएगा नहीं, कसम पैदा करने वाले की, तू ये मेरी चौकट पर अपनी नाक नहीं रगड़ी तो मेरा नाम भी भवानी शंकर नहीं, कोई शक। बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम जीवंत, तो एकदम लाइव लग रहा है कि हम लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती यानी कि मिथुन दादा को सुन रहे हैं, बिल्कुल एकदम लाइव लग रहा था। और भी कुछ जो कलाकारों के, ओए शाबाश, जले को आग कहते हैं बुझी को राख, जिस राख से जो बारूद बने औसे विश्वनाथ कहते हैं, खामोश। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने एक फिल्म यहाँ पर भी की है हाथरस में, जो अमित कुमार जी यहाँ के DM साहब थे, तो उन्होंने एक फिल्म बनवाई थी पंचायती राज विभाग द्वारा, उस फिल्म का नाम है शौचालय एक प्रतिज्ञा, तो उसमें मुख्य डायरेक्टर तो मिनिस्टर मनीष कुमार वर्मा जी थे, और उसमें एसोसिएट डायरेक्टर हम थे उसमें, तो हमारे गाइडेंस में वो फिल्म बनी थी, और वो फिल्म इतनी पसंद आई लोगों को कि हाथरस के प्रत्येक गांव में वो फिल्म चली, और सब ने उसको देखा, पसंद किया, और शौचालय से इतने मोटिवेट हुए कि लोगों ने अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में शौचालय बनवा लिए, कोई भी बाहर नहीं गया। ये बहुत हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ एक मौजूद है जिनकी बनाई हुई फिल्म लोकल हाथरस में हमारे जनपद में चली और लोगों ने उसे सराहना की। और इसमें हमारे क्या कहते हैं जो DM साहब थे, तो DM साहब ने हम लोगों को सम्मान के लिए सभी लोगों को सम्मान दिया, सबको एक सर्टिफिकेट द्वारा पूरी टीम को सम्मानित दिया कि उनको, हम सभी कलाकारों का काम अच्छा लगा, तो हम अमित कुमार जी, श्री अमित कुमार जी DM साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जी, उन्होंने कलाकार की भावना को समझा। राजा राणा जी ने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें बताई अपने जीवन से जुड़ी, अपनी स्ट्रगल लाइफ से जुड़ी हुई, और कई फेमस कलाकारों की मिमिक्री भी की हमारे बीच में, जो कि बहुत एकदम जीवंत थी, बिल्कुल आप ऐसा लगेगा लाइव सुन रहे हैं उन कलाकारों को। हम
पूरी टीम के साथ, टीवी थर्ड इंडिया की पूरी टीम के साथ आपकी जो भविष्य, उज्ज्वल भविष्य, उसकी कामना करते हैं कि आप यूं ही तरक्की करते रहें दिन प्रतिदिन, और ऐसे ही तरक्की करते रहें, और आपकी जो आने वाली अपकमिंग वेंचर्स हैं, जो अपकमिंग फिल्म हैं आपकी, और जो बड़े पर्दे की फिल्म आ रही हैं, शॉर्ट फिल्में आ रही हैं, सारी हिट हों। और हमारे दर्शक हैं, हम उनसे अपील भी करेंगे कि राजा राणा जी की जो फिल्में आने वाली हैं उनको आप ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखी है, ब्लड रिलेशन एक मूवी आई थी, उसमें भी बहुत अच्छा रोल जी बी आपका जो चैनल आता है आपके सेट टॉप बॉक्स पे बी फॉर यू कड़क, उस पर वो मूवी आती रहती है अक्सर, आप उसे देखें। ब्लड रिलेशन में बहुत अच्छा रोल है राजा राणा जी का, और भी कई सारी मूवियाँ हैं और आने वाली हैं मूवियाँ, बहुत जल्द हम लोग और कई बड़े पर्दे की कई मूवियों में राजा राणा जी को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीवी 30 इंडिया पे आने के लिए, और हम लोग कामना करते हैं आप यूं ही तरक्की की जो है राह पे आगे बढ़ते रहें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपने और आपकी टीवी 30 न्यूज़ ने मुझको बुलाया, मुझको सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा राणा जी, हम चाहेंगे टीवी 30 इंडिया के दर्शकों के लिए कुछ आप संदेश देना चाहें तो। जी, मैं जरूर देना चाहूँगा कि जैनी, टीवी 30 इंडिया न्यूज़ की टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और मैं आप लोगों से अपील भी करता हूँ कि इस चैनल को आप देखें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल ऐसा वैसा न्यूज़ चैनल नहीं है, ये ज़मीन से जुड़े लोगों को बुलाकर उनके व्यक्तित्व को निखार देते हैं और मोटिवेशनल करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वो न्यूज़ चैनल है जो हर खबर को सच्चाई की तरीके से दिखाता है और आपके सामने पेश करता है, जिसे आप देखने के बाद आप तहे दिल से विश्वास कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।